के बारे में बहुत सारी थेरेपीज हैं जो बाजार में हैं और जो बहुत अच्छा प्रभाव भी डालती हैं और बहुत अच्छा चिकित्सा भी करती हैं। प्राकृतिक चिकित्सा उसमें से एक है, एक्यूप्रेशर उसमें से एक है, एक्यूपंचर उसमें से एक है, या दूसरी भी कोई होगी, लेकिन हमने अपने आप को दो ही विषय पर केंद्रित करने के लिए रखा है। हमारे सामने जो चैलेंज है वो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो प्रिवेंशन है आयुर्वेद में, उस प्रिवेंशन के आधार पर बीमारियां ठीक हो सकती हैं या नहीं, हमारे लिए सिर्फ ये एक बड़ा मुद्दा है। एक्यूप्रेशर में देश की बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो काम कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और मैं खुद इलाहाबाद में जब था तो हमारे इलाहाबाद में एक्यूप्रेशर का बहुत बड़ा सेंटर है, शुरुआत में हम लोग भी उसमें काफी इन्वॉल्व रहे। लेकिन अभी की जो घटना है, वो जो राजीव भाई ने लाइन लेंथ दी है, हम उस पर थोड़ा गंभीर काम करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने जानबूझ के अपने कैंपों में बहुत ज्यादा दूसरी चीजों का इन्वॉल्वमेंट नहीं किया है, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर राजीव भाई ने ये बात कही कि भाई खाना खाने के बाद 1.5 घंटे बाद पानी पीने से आपको ये बीमारी में आराम होता है, तो हमको इसका क्लिनिकल ट्रायल्स चाहिए। तो वैसी स्थिति में हमने बहुत सोच समझ के अपनी एक सीमा रेखा खींची है, और उस सीमा रेखा को खींचने के पीछे जगह यही है, उसकी वजह यही है कि बाकी चीजों में बहुत लोग काम करते हैं। आप देखने जाएंगे एक नहीं हजारों डॉक्टर आपको मिल जाएंगे अलग अलग चीजों में काम करने वाले, लेकिन ये जो राजीव भाई ने बात कही है इस पर अभी तक देश में कोई भी काम नहीं हुआ है। तो वैसी स्थिति में हमने अपनी सीमा रेखा ये बनाई कि भाई हमें तो इसी विषय पर काम करना है, और हमको ये सिद्ध करके दिखाना है कि इन 4 फॉर्मुलेशन से, इन 5 फॉर्मुलेशन से आपकी जो असाध्य बीमारियां हैं वो क्योरेबल हो सकती हैं। ये हमारे लिए बहुत शोध का विषय है, इसलिए मैं बहुत सारे लोगों से विनम्र माफी मांगते हुए कहना चाहता हूँ कि अभी हमने अपने आप को बहुत सीमित रेखा में बना के चले, हमें वो सिद्ध करना है, करना है, करना है। तो इसलिए हम बहुत सारी चीजों का प्रयोग, हालांकि अच्छी होती है, लोग उनसे आराम मिलता है, आराम होम्योपैथी से भी मिलता है, एलोपैथी की भी बहुत सारी चीजों से आराम मिलेगा, लेकिन हमारे जो शिविर है वो उन सब चीजों को घेर बटोर के आराम देने के लिए नहीं है। हमारे जो शिविर है वो स्वदेशी चिकित्सा के जो नियम बताए हैं उनको सिद्ध करना, उनका प्रचार प्रसार करना और उनके हिसाब से चीजों को मैनेज करना, वो लाइन लेंथ हमने चुनी, बहुत छोटी सी लाइन लेंथ है लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग जानबूझ के दूसरी चीजों के मतलब विचलन ना हो हमारी चीजों में, इस हिसाब से बांध के रखते हैं, और उसी हिसाब से यहाँ जो स्वदेशी शोध केंद्र है वो उसी के लिए है कि जो प्रिवेंशन है, आयुर्वेद में प्रिवेंशन के बहुत सारी चीजें हैं, उनके ऊपर हम जोर देना चाहते हैं।